हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो था उसके तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वहाँ पे। वन वाज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वाज लिंक रिएक्शन एंड थर्ड वाज सिट्रिक एसिड साइकिल बेसिकली। तो वहाँ हम डिस्कस कर चुके थे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो था वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था, और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, जो कि सिक्स कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, उसका ब्रेक डाउन हो रहा था टू पाइरूविक एसिड के अंदर, जो कि तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल था बेसिकली। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन था वो साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट हो रहा था। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन दो पाइरूविक एसिड में होने के बाद जो पाइरूविक एसिड्स जो होते हैं एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया इफ इट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। बताया था ना कि वहां ऐसी टाइप को जो पाइरूविक एसिड है, तो पाइरूविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इंटरमीडिएट है, मिडिल कंपाउंड है बेसिकली, जो कि दोनों रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है देन पाइरूविक एसिड और पाइरूवेट विल एंटर इनटू द एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट। सेकेंड थिंग, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन दिस पाइरूविक एसिड इज एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया टू परफॉर्म द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेसिकली। ठीक है, टू डेवलप द 36 और 38 एटीपी, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो पाइरूविक एसिड जो होगा सिर्फ दो एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है और एल्कोहल और एसिड्स का फॉर्मेशन कर देता था बेसिकली। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक तो लिंक रिएक्शन और दूसरा क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन जो होगी वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के वहां पर होगी। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन के अंदर दो पाइरूवेट जो है वो कन्वर्ट होंगे टू एसिटाइल कोएंजाइम्स के अंदर। तो पूरी रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। लिंक रिएक्शन ठीक है, इट लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल उनको लिंक करने का और लेकर दूसरा इट अकर है PMS इन द सेंस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस उसके अंदर होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इट गिव राइज टू पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल। ठीक है, द रिएक्शन इट इज डन बाय एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स एंड डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स उसके थ्रू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इस एंजाइम्स को रिएक्शन करवाने के लिए पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम्स है उसको रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए बेसिकली कुछ कोफैक्टर्स का जरूरत पड़ेगा। जो कोफैक्टर्स होंगे दे आर द मैग्नीशियम आयन, ठीक है, लिपोइक एसिड, ठीक है, फॉस्फेट, पाइरोफॉस्फेट बेसिकली। इट रिक्वायर, मैं आप लिख देता हूं, इट रिक्वायर मैग्नीशियम आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम आयन कॉमा लिपोइक एसिड कॉमा पाइरोफॉस्फेट।
ठीक है, इनको वेक्टर्स का जरूरत पड़ेगा एंजाइम्स को उस लिंक रिएक्शंस को कैटलाइज करवाने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन का जो साइट होगा दैट इज द पेरी माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपने आप में हर एक क्वेश्चन है सर, अपने आप में एक एक क्वेश्चन है बेसिकली जो कि इम्पोर्टेंट है नीट पर, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा बेसिकली। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये माइटोकॉन्ड्रिया था इनर मेंब्रेन, ठीक है। तो जो पाइरूवेट है, पाइरूवेट तो बाहर की साइड तो सब साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ तो पाइरूवेट बना था, दो पाइरूवेट टू पाइरूवेट, ठीक है। तो ग्लूकोज तो सिक्स कार्बन का मॉलिक्यूल था जबकि पाइरूवेट थ्री कार्बन का मॉलिक्यूल था, इस वजह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पाइरूवेट बनाए किसमें, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर बेसिकली, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो दिस पाइरूवेट विल एंटर इनटू द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दिस वाज द पीएमएस। पीएमएस का मतलब मैंने बताया था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है। तो ये तो था आउटर मेम्ब्रेन और दिस वाज इनर मेम्ब्रेन बेसिकली, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस था दैट वाज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन से इनर साइड जो स्पेस था या फ्लूइडिक जो रीजन था दैट वाज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और मैट्रिक्स के अंदर रन करेगा क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो ये पाइरूवेट जो होगा, पाइरूवेट इट पार्टिसिपेट इन लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन ये यार पार्टिसिपेट करेगा एंड फॉर्म द एसिटाइल कोएंजाइम। तो इस लिंक रिएक्शन को मैं यहां पे बाहर बता रहा हूं, ध्यान रखना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो लिंक रिएक्शन जो है उसके अंदर दो पाइरूवेट जो है, पाइरूवेट मॉलिक्यूल तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है टू एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, डीहाइड्रोजिनेज एंड डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स, डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स को अपना रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए, लिपोइक एसिड चाहिए एलपीपी बोलते हैं, और टीपीपी भी चाहिए, ठीक है, थायमिन पायरोफॉस्फेट जो उसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये एंजाइम जो कर इस पाइरूवेट से जो कि तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, यहां से डिहाइड्रोजिनेज वाला जो एक्टिविटी है उस डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी में तो एक एनएडी को यूज करेगा और दो हाइड्रोजन आयंस को इस एनएडी में जोड़ देगा, जिसकी वजह से एनएडी कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीपी एनएडीएचटू, ठीक है। तो एक पाइरूवेट से अगर डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो एक एनएडीएचटू बनाएगा, जबकि यहां पर दो पाइरूवेट है तो दो पाइरूवेट है तो इट विल फॉर्म द टू एनएडीएचटू, और हमें पता है कि वन एनएडीएचटू विल गिव राइज टू थ्री एटीपी, तो यहां टू एनएडीएचटू जो एनएडीएचटू जो है इट विल गिव राइज टू सिक्स एटीपी। तो यहां लिख देता हूं मैं वन एनएडीएचटू गिव राइज टू एटीपी, जबकि लिंक रिएक्शन में ओवरऑल जो एटीपी का गेन होगा दैट इज टू इंटू थ्री एटीपी इक्वल्स टू सिक्स एटीपी, सिक्स एटीपी। तो ध्यान रखना लिंक रिएक्शन से हमें छह एटीपी मिलेगा,
दूसरा थे कि डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगा यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा तो दो यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा टू CO2 मॉलिक्यूल ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि तीन कार्बन के मॉलिक्यूल से कन्वर्जन हो गया है टू कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का है टू कार्बन का एक मॉलिक्यूल है तो दिस एसिटाइल कोएंजाइम विल फर्दर एंटर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होगा ना ये एंटर करेगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड विल पार्टिसिपेट्स इन क्रैब साइकिल जो कि मैट्रिक्स के अंदर रन कर रहा है ये क्रैब साइकिल ठीक है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा कौन ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होगा ठीक है। तो उस क्रैब साइकिल को मैं डिटेल से यहां पे फर्दर बता दूं तो ये ओवरऑल क्या क्या था वो लिंक रिएक्शन था तो ध्यान रखना लिंक रिएक्शन के अंदर हमें दो एसिटाइल कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन मिलेगा और जो एंजाइम्स होगा दैट इज द पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स। इसके जो इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं पहले तो एंजाइम पूछ लेता है दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का है वो भी पूछ लेता है तीसरा इसके अंदर जो जो कोफैक्टर्स हैं क्या क्या चाहिए वो भी क्वेश्चन पूछता है बेसिकली तीसरा कि इसमें कितने एरेडीएस टू का फॉर्मेशन वो भी क्वेश्चन पूछता है चौथा इसमें कि कितने CO2 मॉलिक्यूल का लिबरेशन होता है वो भी क्वेश्चन पूछता है ठीक है। तो लिंक रिएक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस वहां अराइजेस होंगे बेसिकली। लिंक रिएक्शन के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज सिट्रिक एसिड साइकिल ठीक है। ध्यान रखना कि सिट्रिक एसिड जो साइकिल होगा और क्रैब साइकिल होगा सिट्रिक एसिड साइकिल और इसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं क्रैब साइकिल क्योंकि इसको शायद हेंस ग्रैब्स ने इसको डिस्कवर किया था इस वजह से इसको क्रैब साइकिल भी बोला जाता है। सिट्रिक एसिड इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ इस रिएक्शंस के अंदर ठीक है जो क्रैब साइकिल की जो रिएक्शन है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा वो सिट्रिक एसिड होगा ठीक है दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल ठीक है। तो इस रिएक्शन इस सिट्रिक एसिड साइकिल का फर्दर का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखता हूं तो इसका साइट जो होगा साइट दैट इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ऑफ माइटो ठीक है। दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल जो होगा तो वो एक एम्फीबोलिक प्रोसेस है पाथवे और एनाप्लियोटिक पाथवे भी है बेसिकली इट इज एम्फीबोलिक पाथवे एम्फीबोलिक पाथवे एम्फीबोलिक पाथवे क्यों बोला उसको क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और न्यू मॉलिक्यूल का सिंथेसिस भी होगा बेसिकली ठीक है दैट्स व्हाई द एम्फीबोलिक पाथवे। जब कभी भी सिट्रिक एसिड साइकिल रन करेगा एक बार जब रन करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल ठीक है तो इट विल गिव राइज वन टर्म ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल गिव राइज थ्री एनएडीएच टू एनएडीएच टू वन एफएडीएच टू वन एटीपी ठीक है। तो टोटल जो गेन होगा एक टर्न से इसमें ठीक है दैट इज द 12 एटीपी एक टर्न जब रन करेगा ये क्रैब साइकिल तो मुझे कितना एटीपी मिलेगा दैट इज 12 एटीपी गिव 12 एटीपी। अब 12 एटीपी कैसे आ रहा है यहां पे एक टर्न में हमें पता है कि एक एनएडीएच जो होता है वो तीन एटीपी देता है तो यहां थ्री एनएडीएच टू का फॉर्मेशन होगा तो थ्री इंटू थ्री टोटल नाइन एटीपी एटीपी। एक एफएडीएच टू होता है वो दो एटीपी देता है ऑक्सीडाइज होने के बाद तो यहां पे टू एटीपी आएगा टू एटीपी ठीक है और एक एटीपी का मुझे डायरेक्ट गेन होगा यहां पे वन एटीपी। तो टोटल जो गेन होगा
एक टर्न के अंदर मुझे वो कितना एटीपी होगा, दैट इज द 12 एटीपी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे, ठीक है, कि एक टर्न में वो कितना एटीपी देता है, 12 एटीपी. अब पूछ लेता है कि अगर वो 10 टर्न कर रहा है, 10 बार वो रन कर रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल, तो कितना एटीपी का फॉर्मेशन होगा, देन आंसर विल बी द 120. ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है कि एक बार टर्न करने पे 3 NADH2 का फॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो जब 10 बार रन करेगा तो कितना NADH2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कितना FADH2 का फॉर्मेशन होगा और टोटल ATP का फॉर्मेशन क्या होगा बेसिकली, ठीक है. तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्दर फिर हम डिस्कस करेंगे इस वेबसाइट के बेसिस. जैसे कि अभी हमने देखा है इसके अंदर कि वन टर्म जो है वो मुझे 12 ATP देता है, ठीक है. तो यार क्वेश्चन पूछता है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ATP के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि 10 टर्न में कितना ATP बनाएगा, 20 टर्न में कितना ATP बनाएगा, 30 टर्न जब करेगा तो कितना ATP बनाएगा, 50 टर्न जब करेगा तो कितना ATP बनाएगा बेसिकली. दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ NADH2 के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछता है. तीसरा FADH2 के बेसिस पे पूछता है, FADH2, ठीक है. चौथा वो ATP के बेसिस पे, डायरेक्ट ATP कितना मिलता है उसमें क्वेश्चन पूछता है. तो यहाँ ये उसके एक टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे बेसिकली, ठीक है. तो देखते हैं इसका डिटेल से, हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं इस सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल का, ठीक है. तो पहला बात जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल का, वो ध्यान में रखना, इट अकर इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वहां पे वो सिट्रिक एसिड साइकिल रन करेगा, ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेस जो है, सॉरी मैट्रिक्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, उस मैट्रिक्स के अंदर रन कर रहा है क्रैब साइकिल. तो ये क्रैब साइकिल जो है वो पूरा इस रिएक्शन को बोला है, ये क्रैब साइकिल पूरा जो साइकिल है जिसके अंदर 10 रिएक्शन इंक्लूडेड होगा, ठीक है. तो मैं यहां से बता रहा हूं कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि लिंक रिएक्शन से डेवलप हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, तो दिस एसिटाइल कोएंजाइम विल पार्टिसिपेट इन क्रैब साइकिल. देखा ना कि पाइरुवेट से लिंक रिएक्शन के अंदर पाइरुवेट से बना एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम जो रहा है वो पार्टिसिपेट कर रहा है क्रैब साइकिल के अंदर. तो यहाँ कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम, कि वो इस क्रैब साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है. तो ये पूरा क्रैब साइकिल जो है, मैं उसको आपको यहाँ से डिटेल से डिस्कस करवाने जा रहा हूँ. तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो दो कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, वन कार्बन का एक मॉलिक्यूल. ध्यान रखना कि मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है. मैट्रिक्स जो है वो इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ठीक है. तो दो एसिटाइल कोएंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है एक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सर, ओए भी बोलते हैं इसको. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है. तो सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर, इस साइकिल के अंदर सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट कर रहा है इस एसिटाइल कोएंजाइम को, ठीक है. तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है. तो ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल और ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक. तो इन दोनों को लिंक करवाने का, इन दोनों को कैटालाइज करवाने का जो रोल प्ले करेगा एंजाइम, दैट इज सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम. तो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो होगा इन दोनों को रिएक्ट करवा कन्वर्ट कर देगा सिट्रिक एसिड के अंदर, जो कि कितने 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है बेसिकली, ठीक है. अब यहाँ रिएक्शन के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनाया जाता है सिट्रिक एसिड, इसी वजह से इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं बेसिकली. क्रैब्स ने इसको डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज द क्रैब साइकिल, ठीक है. तो यहाँ जो सिट्रिक एसिड साइकिल जो सिट्रिक एसिड जो बना, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इस सिट्रिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा
एकोनेटिक एंजाइम जो होगा वो इस सिट्रिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा सिस एकोनेटिक एसिड के अंदर, जो कि सिक्स कार्बन का ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस सिट्रिक एसिड से क्या हो रहा है, यहाँ से एसिड एंजाइम भी निकल रहा है और एंजाइम भी निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का भी लिबरेशन हो रहा है। नेक्स्ट, सिस एकोनेटिक एसिड जो होगा इज फर्दर कन्वर्टेड इंटू आइसोसिट्रिक एसिड विच इज ऑल्सो द सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल। द रिएक्शन इज कैटलाइज बाय एकोनेटेज एंजाइम। ध्यान रखना, एकोनेटिव जो एंजाइम है उसको रिएक्शन को कैटलाइज करवाने के लिए एफ या आयंस का जरूरत होगा। ठीक है, फर्दर जो आइसोसिट्रिक एसिड जो होगा, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्टेड इंटू ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज। अब यहाँ पे आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो जहां कहीं भी वर्ड यूज आ जाता है डीहाइड्रोजनेज, इन द सेंस समझ लेना कि वहां हाइड्रोजन आयन का लिबरेशन हो रहा है, उसका फर्दर किसी मॉलिक्यूल को फर्दर एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है ये दो हाइड्रोजन आयन को इस एनएडी के ऊपर जोड़ देगा। तो एनएडी के ऊपर अगर जोड़ दिया दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीएचटू के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन। ये क्या है, इस साइकिल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ ये आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो मैग्नीशियम मैग्नीज आयंस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कैटलाइज करवा रहे हैं। कौन सा रिएक्शन, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड। ध्यान रखना कि सारे मॉलिक्यूल्स अभी छह कार्बन का ही है, क्योंकि कहीं पर भी कार्बन का लिबरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इंटू एल्फा कीटो ग्लूटालिक एसिड बाय द एंजाइम्स डी कार्बोक्सिलेज। ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होगा, ठीक है, दिस एंजाइम कॉजेस द लिबरेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। वो एक CO2 मॉलिक्यूल का लिबरेशन कर रहा है डी कार्बोक्सिलेज, इन द सेंस कार्बन को CO2 को वहां से लिबरेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां फर्स्ट लिबरेशन हुआ CO2 पर। तो ये सिक्स कार्बन का मॉलिक्यूल था, ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब ये छह कार्बन का था, यहां से एक CO2 निकाल दिया तो फाइव कार्बन का मॉलिक्यूल बचा। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। बेसिकली क्रैब्स साइकिल के अलावा उसके अदर रोल्स हैं। ये अमीनो एसिड डेवलप अमीनो एसिड सिंथेसिस में भी रोल प्ले करेंगे। बताया ना कि क्रैब्स साइकिल जो है या सिट्रिक एसिड साइकिल जो है एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा मॉलिक्यूल्स का, ब्रेकडाउन भी हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, एज वेल एज दूसरे प्रोसेस के लिए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन जो हुआ है, इट पार्टिसिपेट्स इन अमीनो एसिड सिंथेसिस बेसिकली। ठीक है, तो इट प्लेज द रोल इन अमीनो एसिड फॉर्मेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बेसिकली। तो यहां से देखो कि ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो था ना कन्वर्ट हो गया ग्लूटामिक एसिड के अंदर, जो कि एक अमीनो एसिड है। फर्दर जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है, जो कि फाइव कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, इज कन्वर्टेड इंटू सक्सीनाइल कोएंजाइम बाय द एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, तो डीहाइड्रोजनेज और डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, इट कैटलाइजेस द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ध्यान रखना कि इसको मैग्नीशियम आयन का जरूरत पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इट सिंथेसाइजेस। यहां से देखो डीहाइड्रोजनेज जो एक्टिविटी है, उस डीहाइड्रोजनेज एक्टिविटी की बेसिस पे तो उसने क्या किया, एनएडी पे उसने दो हाइड्रोजन आयन जोड़ दिया और कन्वर्ट कर दिया है NaDH2 के अंदर बेसिकली, दिस इज NaDH2। ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की बेसिस पे उसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल से CO2 को फिर निकाल दिया है। ठीक है, तो एक तो CO2 का लिबरेशन यहां हुआ है और दूसरा CO2 का लिबरेशन इस जगह पे हुआ है। तो फाइव कार्बन के मॉलिक्यूल से अगर CO2 लिबरेट हो गया, ठीक है, तो फोर कार्बन का मॉलिक्यूल बचेगा, तो फोर कार्बन मॉलिक्यूल इज नॉन एज द सक्सीनाइल कोएंजाइम। चार कार्बन का मॉलिक्यूल जो बना वो कौन है, सक्सीनाइल कोएंजाइम बेसिकली। तो सक्सीनाइल कोएंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है
फॉर द सिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन रिंग कंपाउंड। अब पोरफायरिन रिंग कंपाउंड जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनाने में रोल प्ले करते हैं, साइटोक्रोम्स बनाने में भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन बनाने में भी रोल प्ले करते हैं बेसिकली, ठीक है। फाइटोक्रोम्स बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ से ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अदर प्रोसेस लाइक द फॉर्मेशन ऑफ पोरफायरिन रिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, फाइटोक्रोम्स, ठीक है, एंड साइटोक्रोम्स बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम जो कि कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, इट इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल, इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू और कैटलाइजेस इन सक्सिनिक एसिड बाय द एंजाइम सक्सिनिक थायोकाइनेज, बाय द एंजाइम सक्सिनिक थायोकाइनेज। तो थायो जहां पे भी काइनेज वर्ड यूज हो जाता है तो समझ लेना कि उसका एटीपी के साथ लेना देना या जीटीपी के साथ लेना देना बेसिकली, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इट कन्वर्टेड 1 GTP guanine diphosphate into the GTP। उसने किया क्या, यहां से एक फॉस्फोरस को एडिशन कर दिया नॉर्मल फॉस्फोरस को बेसिकली जीडीपी के साथ और एडीपी के साथ। तो जीडीपी या एडीपी के साथ जब उसने एक फॉस्फोरस का एडिशन किया इस एंजाइम में, थायोकाइनेज जो एंजाइम सक्सिनिक थायोकाइनेज जो एंजाइम है, देन जीडीपी और एडीपी इज कन्वर्टेड इंटू जीटीपी और एटीपी बेसिकली, ठीक है। तो यहां मुझे एक डायरेक्ट गेन मिल रहा है एटीपी का, ठीक है। नेक्स्ट जो सक्सिनिक एसिड है जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है इज फर्दर कैटलाइज्ड बाय सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है फिर से काम आ रहा है डिहाइड्रोजनेज, वो फिर से दो हाइड्रोजन आयंस को लिबरेट करके उसको एनएडी के ऊपर जोड़ने का काम करेगा। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है इट यूटिलाइजेस 2 हाइड्रोजन आयन एंड लिंक विद एनएडी टू कन्वर्टेड देम इनटू एफएडी टू कन्वर्टेड देम इनटू द एफएडीएच2 बेसिकली, ठीक है। तो यहां एफएडीएच2 जो है इट फर्दर ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस द 2 ATP, ये बनाता कितना 2 ATP बेसिकली, ठीक है। सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरिक एसिड। अब फ्यूमरिक एसिड भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ कार्बन बेस पे क्वेश्चंस पूछता है, पूछ लेता है सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, पूछ लेता है सक्सिनाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, पूछ लेता है सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, पूछ लेता है अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन के नंबर से याद रखना कि कौन मॉलिक्यूल कितने कार्बन का, ठीक है। तो फ्यूमरिक एसिड जो होगा फ्यूमरिक एसिड जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है इज कन्वर्टेड इनटू मैनिक एसिड बाय एंजाइम फ्यूमरेज, ठीक है। फ्यूमरेज एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देगा मैनिक एसिड के अंदर बेसिकली। दूसरा मैनिक एसिड जो होगा एक एंजाइम है अगेन मैनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज में, फिर से टर्म्स यूज आ रहा है डिहाइड्रोजनेज। तो डिहाइड्रोजनेज फिर से क्या करेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन आयन को इस मैनिक एसिड से जोड़ देगा इस एनएडी के ऊपर, रिजल्टेंट दिस एनएडी इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन आयन अगर जोड़ दिया जाए तो कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 के अंदर। और मैंने बताया कि एक NADH2 जो होता है वो 3 ATP मॉलिक्यूल हमें देता है और एक FADH2 जो होता है हमें 2 ATP मॉलिक्यूल देता है बेसिकली, ठीक है। दिस मैनिक एसिड अगेन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पोल, ठीक है। तो जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होगा वो फर्दर फिर रिएक्शन को अगेन रिपीट करवाएगा, फिर से वो 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन के मॉलिक्यूल दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम के साथ लिंक होगा, फिर से सिट्रिक एसिड बनाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा जो साइकिल है इस पूरे साइकिल के अंदर एक तो CO2 का लिबरेशन कहाँ कहाँ पे हुआ है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होंगे क्वेश्चन जहाँ से अराइजेस होंगे बेसिकली इसमें से पूरा। दूसरा कौन कौन सी रिएक्शन में FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, तीसरा कौन कौन सी रिएक्शन में NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, NADH2 का फॉर्मेशन कौन कौन से रिएक्शन के अंदर वो डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हुआ है या GTP का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो 10 रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन यहां से मैं देखता हूँ दिस, सेकेंड रिएक्शन दिस वॉज, थर्ड रिएक्शन
दिस फोर्थ रिएक्शन, दिस फिफ्थ रिएक्शन, दिस इज द सिक्स्थ रिएक्शन, दिस इज सेवंथ रिएक्शन, दिस सेवंथ रिएक्शन, दिस इज एट्थ रिएक्शन, दिस इज नाइन्थ रिएक्शन और दिस इज टेंथ रिएक्शन। ठीक है, तो टेन रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है ना, ये पूरा साइकिल रन कर रहा है, कंप्लीट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, और उसका साइड जो है दैट इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो CO2 है, ठीक है, CO2 का लिबरेशन जो है वो हमें दो रिएक्शंस में मिल रहा है, एक तो रिएक्शन नंबर 5 और एक रिएक्शन नंबर 6 बेसिकली। CO2 लिबरेशन, CO2 लिबरेशन वो कौन कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 5th एंड रिएक्शन नंबर 6 बेसिकली। 5 और 6 दोनों रिएक्शन से मुझे CO2 का लिबरेशन मिल रहा है। तो जहां पे भी CO2 का लिबरेशन मिल रहा है वो संयोजन को बोल रहे हैं डी कार्बोक्सिलेज, जो कि इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। दूसरा थिंग है FADH2 का फॉर्मेशन मुझे कहां मिल रहा है, या NADH2 का फॉर्मेशन कहां मिल रहा है, NADH2। ध्यान रखना रिएक्शन नंबर 4th में मिल रहा है, रिएक्शन नंबर 6th में मिल रहा है, रिएक्शन नंबर 10th में मिल रहा है, रिएक्शन नंबर 4th, रिएक्शन नंबर 6th और रिएक्शन नंबर 10th, इनके अंदर मुझे NADH2 का फॉर्मेशन मिलता है बेसिकली। ठीक है, इन द सेंस तीन जगह पे मुझे NADH2 का फॉर्मेशन मिल रहा है। दूसरा FADH2 का फॉर्मेशन, FADH2 ये सिर्फ मुझे एक ही जगह पे मिल रहा है, FADH2 का जो फॉर्मेशन है दैट इज रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन नंबर 8 के अंदर FADH2। दूसरा थिंग ATP का डायरेक्ट गेन मुझे कहां मिल रहा है, या GTP का मुझे डायरेक्ट गेन मुझे कहां मिल रहा है, दैट इज द रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन नंबर 7 बेसिकली। तो 7 जो रिएक्शन है 7th रिएक्शन के अंदर मुझे उस ADP का फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ओवरऑल जो जो साइकिल है, इस साइकिल के अंदर हमें तीन तो NADH2 मिल रहा है, 3 NADH2, ओवरऑल साइकिल में 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP, ATP मॉलिक्यूल का लिबरेशन मिलता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल हम इसको बोलते हैं। अब देखने में तो ये साइकिल बहुत लंबा लग रहा है और बहुत टेन रिएक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसको मैं याद करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाया है, ठीक है, जिससे ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक कौन कौन सा है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मैं एक सेंटेंस बनाया दैट इज चलो चले ईशो के साथ साथ FM ऑन करें, FM ऑन करें बेसिकली, FM ऑन करें। ये एक टर्म्स है जो आपको सीक्वेंस है जी उनका मीनिंग बताया। ठीक है, कि पहला कौन सा सबसेट है, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे चलो चले ईशो के साथ 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 FM ऑन करें, FM ऑन करें बेसिकली, FM ऑन करें। ठीक है, तो यहाँ पे C इन द सेंस सिट्रिक एसिड, C इन द सेंस सिस एकोलिटिक एसिड, एसिड ईसो आइसोसिट्रिक एसिड, आइसो सिट्रिक एसिड, ओ ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बेसिकली, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड के मतलब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, एसिड बेसिकली। इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड दिस इज द सक्सिनिक एसिड,
एसिनिक एसिड, एसिड बेसिकली, एफ मतलब फ्यूमरिक एसिड और एल इन द सेंस एलिनिक एसिड, दिस इज फ्यूमरिक एसिड और एम इन द सेंस मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ओ इन द सेंस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बेसिकली। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ठीक है, वो सबसे याद करने का आपको तरीका है। ठीक है, अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है, किस किस के बीच में वो लिबरेशन हो रहा था एनएडीएच2 का, किस किस के बीच में लिबरेशन हो रहा था एफएडीएच2 का, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में लिबरेशन हो रहा था CO2 मॉलिक्यूल्स का। तो ध्यान रखें यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड से और ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड जब बन रहा था, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड जब बन रहा था तो वहां एक एनएडीएच2 रिलीज हो रहा था, एनएडीएच2। दूसरा थिंग्स कि ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड जब बन रहा था तो वहां से एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था। ठीक है, अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड से सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिल कोएंजाइम बन रहा था तो फिर CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था, ये CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था और एक NaDH2 रिलीज हो रहा था, बेसिकली NaDH2 रिलीज हो रहा था। दूसरा सक्सीनाइल कोएंजाइम से सक्सीनिक एसिड बन रहा था तो एक एटीपी बन रहा था, एटीपी, ये देखो यहाँ पे एक एटीपी बन रहा था। दूसरा सक्सीनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड जब बन रहा था तो एक एफएडीएच2 का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ एफएडीएच2, डीएच2। ठीक है, दूसरा फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड जब कन्वर्ट हो रहा था तो किसी टाइप से एनएडीएच2 और एफएडीएच2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट, जब मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब बन रहा है तो फिर से एन ए डी एच टू का लिबरेशन हो रहा है, एन ए डी एच टू का। ठीक है, तो ये रिएक्शन फिर रिपीट कर रहा था। अब इन पूरे रिएक्शन के अंदर, ये पूरे सीक्वेंस के अंदर, जहां कहीं एफ ए डी एच टू और एन ए डी एच टू का लिबरेशन हो रहा है वहां एंजाइम काम आएगा डिहाइड्रोजनेज, जहां कहीं भी CO2 का लिबरेशन हो रहा है वहां एंजाइम काम आएगा डीकार्बोक्सिलेज, और जहां कहीं भी एटीपी का लिबरेशन हो रहा है वहां कहीं का एंजाइम काम आएगा थायरोकाइनेज बेसिकली। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या पूरे रिएक्शन को याद कर सकते हैं। अब इनका कार्बन मॉलिक्यूल मैं कैसे याद करूंगा, तो ये सब जहां CO2 नहीं निकला है उससे पहले के सारे मॉलिक्यूल जो है वो सब सिक्स कार्बन का, यहां से देखो ये सारे मॉलिक्यूल जो है ना वो सिक्स कार्बन। ठीक है, यहाँ देखो एक CO2 मॉलिक्यूल यहां से निर्मित हुआ। ठीक है, तो इससे पहले के मॉलिक्यूल सब क्या है, सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो सक्सिट्रिक एसिड सिक्स कार्बन का है, सिसैकोनेटिक एसिड सिक्स कार्बन का है, आइसोसिट्रिक एसिड सिक्स कार्बन का है। ठीक है, ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड जो है वो भी सिक्स कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके बाद देखो कि एक CO2 मॉलिक्यूल निर्मित हुआ और बन गया क्या, अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड। तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो कितने कार्बन का, दैट इज फाइव कार्बन मॉलिक्यूल। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद फिर एक CO2 मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ है और बना है क्या, सक्सीनाइल कोएंजाइम। तो सक्सीनाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का, ये भी फाइव कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा सक्सीनाइल कोएंजाइम से सक्सीनिक एसिड बना तो वहां बीच में एक एटीपी लिबरेट हुआ है। ठीक है, तो अब यहां इससे आगे कहीं कोई कार्बन मॉलिक्यूल लिबरेट नहीं हुआ, तो ये सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो, अच्छा यहाँ ये CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो फाइव फोर कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है, फोर कार्बन। ठीक है, अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड से फिर CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो बन गया क्या, सक्सीनाइल कोएंजाइम। तो सक्सीनाइल कोएंजाइम फोर कार्बन का मॉलिक्यूल, इससे आगे के सारे मॉलिक्यूल जो है, चाहे वो सक्सीनिक एसिड है, चाहे फ्यूमरिक एसिड है, चाहे मैलिक एसिड है, चाहे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, वो सब चार कार्बन के मॉलिक्यूल है, फोर कार्बन, ये फोर कार्बन, ये भी फोर कार्बन और ये भी फोर कार्बन। तो आप पूछ लेता है कि मैलिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल, तो आंसर विल बी फोर। पूछ लेता है अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल, तो आंसर विल बी फाइव। पूछ लेता है, ठीक है, सिसैकोनेटिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल। एक बहुत इंपॉर्टेंट इस जगह पर क्वेश्चन और आता है सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के बारे में, और सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है उसको हम मार्कर एंजाइम्स भी बोलते हैं।
ठीक है। ये मार्कर जो एंजाइम्स होगा ये प्रेजेंट होगा इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। इस एंजाइम के अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल के सारे एंजाइम जो होंगे दे आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एंजाइम जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के कौन से एंजाइम ऐसा है जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। देन आंसर विल बी द सब्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इंजाइम। इसके अलावा सारे एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब हम इसका ओवरऑल बायो एनर्जेटिक्स अगर देखेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो 36 और 38 एटीपी आना चाहिए, क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिस्कस करते हैं वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा देन इट गिव राइज 36 और 38 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि 686 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करता है। अब हम यहाँ पे देखना है कि कैसे वो 36 और 38 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। तो आई थिंक ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बायो एनर्जेटिक्स ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर 36 और 38 एटीपी बनाएगा, जबकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इट विल गिव राइज ओनली 280 और वो 280 जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के होंगे। ठीक है, क्योंकि पाइरुविक एसिड बनने के बाद वो डायरेक्टली एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली, तो वहाँ किसी टाइप से कोई एटीपी का जनरेशन नहीं मिलता। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो बायो एनर्जेटिक्स है, बायो एनर्जेटिक ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, दैट इज 36 और 38 एटीपी मॉलिक्यूल। इट शुड बी 36 और 38 मॉलिक्यूल, 36 और 38 मॉलिक्यूल एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा, पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का साइड मैंने आपको साइटोप्लाज्म बताया था, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ध्यान रखना दो NADH2 का फॉर्मेशन मिल रहा था, NADH2, ठीक है, और दो डायरेक्ट ATP मिल रहा था ATP का ये। अब हमें पता है कि एक NADH2 जो है वो तीन ATP मॉलिक्यूल देता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर दो NADH2 का फॉर्मेशन मिल रहा है तो 2 × 3 = 6 ATP। ठीक है, क्योंकि एक NADH2 जो होता है वो 3 ATP देता है, तो यहाँ कितने NADH2 है, 2। ठीक है, तो टोटल ATP विल बी 2 × 3 = 6 ATP, जबकि डायरेक्ट जो गेन ATP का वो यहाँ आ रहा है 2 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डायरेक्ट में से ATP कितना मिलता है, 8 ATP। ठीक है, लिंक रिएक्शन के अंदर रिएक्शन में, अगर बताएं लिंक रिएक्शन जो होती है वो PMS में हो रहा है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हो रहा है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा था, प्लाज्म के अंदर हो रहा था। तो लिंक रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट डिस्कस किया है, वहां दो NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, 2 NADH2 BH2, तो दो NADH2 जो होंगे तो 2 × 3 = 6 ATP मॉलिक्यूल। लिंक रिएक्शन में मुझे कितना ATP मिल रहा है, 6 ATP मॉलिक्यूल, जबकि क्रैब साइकिल के अंदर जो हम देखते हैं, क्रैब साइकिल के अंदर हम जब देखते हैं तो क्रैब साइकिल में मुझे तीन, एक बार जब रन करेगा, ध्यान रखना कि एक बार जब रन करेगा, ठीक है, तो
मुझे तीन NADH2 मिल रहा है, NADH2, तो 3 NADH2 इक्वल टू कितना ATP, 3 × 3 इक्वल टू 9 ATP, ठीक है। जबकि 1 FADH2 का फॉर्मेशन मिलता है, FADH2, तो 1 × 2, हमें पता है कि एक FADH2 जो होगा वो मुझे 2 ATP देता है, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर FADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो मुझे कितना ATP देगा, 2। जबकि एक NADH2 जब ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर तो ATP का प्राइस 3 ATP होगा, ठीक है। तो 2 × 1 = 2 ATP, क्योंकि 1 ATP जो मुझे डायरेक्ट मिलता है, 1 ATP, 1 ATP, ठीक है। तो 1 × 1 = 1 ATP, ठीक है। तो ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये एक एसिटाइल कोएंजाइम से था, वन टाइम एक एसिटाइल कोएंजाइम से वन टाइम रन करेगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। जबकि ग्लूकोज से मुझे कितना एसिटाइल कोएंजाइम मिल रहा था, 2। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम से ग्लाइक जो क्रेब्स साइकिल है वो 2 टाइम रन करेगा। तो जब 2 टाइम रन करेगा, ठीक है, तो इन सबको मैं डबल कर दूंगा बेसिकली, ठीक है। ये 1 टर्म है, 1 टर्म इन 1 टर्म, एक टर्म के अंदर मुझे ये ATP मिलता है, जबकि एक ग्लूकोज मुझे दे देता है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो देता है 2 पाइरूवेट, और 2 पाइरूवेट जो होगा वो देता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो होगा ना वो 2 टाइम्स रन करेगा क्रेब्स साइकिल को, रन्स 2 टाइम, रन्स क्रेब्स साइकिल 2 टाइम्स। तो एक टाइम का जो ओवरऑल गेन है डैमेज 12 ATP, ठीक है। तो 2 टाइम्स अगर रन करेगा तो 12 × 2, तो टोटल ATP जो होगा दैट इज 12 × 2 = 24 ATP, ठीक है। 24 ATP बेसिकली, ठीक है। तो 24 ATP जो है ना वो किसका है, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल से मिल रहा है, जब वो 2 टाइम रन कर रहा है क्रेब्स साइकिल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ध्यान रखना कि 2 टाइम रन करता है, वो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितना टाइम रन करेगा, पासिबल भी बन, ठीक है, एक बार रन करेगा बेसिकली क्रेब्स साइकिल, ठीक है। पूछ लेता 36 एसिटाइल कोएंजाइम है तो उस क्रेब्स साइकिल से कितना ATP बनेगा, ठीक है, कितना FADH2 बनेगा, ठीक है, कितना NADH2 का फॉर्मेशन होगा, कितना डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, उसके बेसिस पे या क्रेब्स साइकिल से हजारों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेसिकली DBPS के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो ओवरऑल गेन अगर देखें, टोटल ATP अगर देखें, क्रेब्स साइकिल से मुझे कितना मिल गए हैं 24 ATP, तो 6 ATP, 8 ATP और 24 ATP, मैं यहाँ पे इनको जोड़ देता हूँ सबको, 6 ATP और 8 ATP, तो टोटल कितना हो गया ये 38 ATP, ठीक है। 8 ATP ये तो ग्लाइकोलाइसिस का है और 6 ATP वो है लिंक रिएक्शन का है, और 24 ATP जो है वो क्रैप साइकिल का बेसिकली, टोटल मिला के इट विल फॉर्म द 38 ATP बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा एक बायो एनर्जेटिक्स है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बेसिकली, ठीक है। तो अब कोई पूछ लेता है कि मेरे पास 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो टोटल ATP मॉलिक्यूल कितना आएगा, ठीक है। तो हम उसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसको जब जोड़ देते हैं तो फर्दर उसका आंसर आ जाएगा उसके अंदर। ऐसे ही पूछ लेता है
ठीक है, कि माल्टोज जो है उसके अंदर 2-6 कार्बन की शुगर है, तो माल्टोज से कितना एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, तो माल्टोज को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, ठीक है, तो मुझे 2-6 कार्बन की शुगर देगा, तो 2-6 कार्बन शुगर जो होगी ना वो इसको डबल कर देगा बेसिकली। हमें पता है कि 1-6 कार्बन की शुगर से हमें कितना एटीपी मिलता है, 38 एटीपी। तो मैंने माल्टोज खाया है, तो माल्टोज अगर खाया तो उससे 2-6 कार्बन की शुगर मिलेंगे, तो 2-6 कार्बन की शुगर जो होंगे उसके जब कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो वो कितना एटीपी बनाएगा, तो मैं क्या होगा 38 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 2 बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे करके बायोएनर्जेटिक्स से वहाँ हजारों टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल बेसिकली, ठीक है। थैंक यू।